नमस्कार दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 यानी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अगर आप एज अ बिजनेसमैन या एज अ प्रोफेशनल कोई एक्टिविटी कर रहे थे तो उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है अथवा नहीं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है। आज की इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आपके सामने असेसमेंट ईयर 22-23 में किन करदाताओं पर विच असेसीज आर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट एवं कौन से करदाता फिर ऐसे रह गए जिन पर टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, वही चर्चा आपके सामने इस वीडियो के रूप में लेके आ रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप किसी बिजनेस में हैं यानी व्यापार में हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, ट्रेडिंग भी हो सकती है या सर्विस सेक्टर का भी एक्टिविटी हो सकती है, तो आपका टोटल सेल ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर का लिमिट ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि क्या आपके बिजनेस में ऑडिट की आवश्यकता है अथवा नहीं। तो प्राइमा फेसाई थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ से 1 रुपए ऊपर होते ही अगर आपके बिजनेस का टोटल सेल ग्रॉस रिसीट टर्नओवर चला गया तो आपको प्राइमा फेसाई टैक्स ऑडिट करानी है। लेकिन बाद में सरकार ने एक विशेष व्यवस्था 2 साल पहले यह भी करी कि यदि आपका जो टोटल रिसीट्स है और इसी प्रकार आपके बिजनेस के जो टोटल पेमेंट है यदि उसकी 5% राशि से ज्यादा नकद जमा अथवा नकद भुगतान नहीं है तो आपको 10 करोड़ रुपए तक के लेवल पर भी टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझना होगा कि अगर आपका थ्रेशोल्ड टर्नओवर टोटल सेल ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 1 करोड़ से प्लस है तो प्राइमा फेसाई टैक्स ऑडिट चाहिए थी, ये पहली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यदि आपके मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं, बैंकिंग के थ्रू होते हैं और आपके टोटल रिसीट और टोटल पेमेंट का जो बिजनेस में है उसका 5% से ज्यादा राशि नकद में डील नहीं की गई तो आप 10 करोड़ रुपए तक के लेवल पर भी टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता से मुक्त है। आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आएगा, अनूप जी सेक्शन 44AD में हम 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर जाते हैं उस पर भी चर्चा करें। सर मैं उस पॉइंट को भी लेकर के आगे आपके साथ में डिस्कस करता हूं। अब दोस्तों बात करता हूं कि प्रोफेशन के केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी कब आती है। प्रोफेशन यानी पेशेवर व्यक्ति, से फॉर एन एग्जांपल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ डॉक्टर, और फॉर एन एग्जांपल अ पर्सन हु इज अ लॉयर, एन आर्किटेक्ट, एन इंटीरियर डेकोरेटर, या आप किसी भी प्रकार का प्रोफेशन इसमें कवर कर सकते हैं। एक बात जरूर कहूंगा सर, इनकम टैक्स लॉ में प्रोफेशन की 2 कैटेगरीज हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में तो बात आई जब मैंने बोला कि साहब चार्टर अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस, इसी के साथ साथ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव या इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट, ये सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन का हिस्सा है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जो इस कैटेगरी में नहीं आते वो सब नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। लेकिन टैक्स ऑडिट के प्रस्पेक्टिव से सर, क्योंकि ये सेवा क्षेत्र है, टैक्स ऑडिट के प्रस्पेक्टिव से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब मैं एज अ प्रोफेशनल सर्व कर रहा हूं, मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं एज अ प्रोफेशनल, तो जब तक उनकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर नहीं होती तब तक टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। यानी वित्त वर्ष 21-22 में यदि एज अ प्रोफेशनल आपकी ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है, अन्यथा टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 44AD एंड टैक्स ऑडिट। अब 44AD में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी होगी, वो बात क्या है सर कि सेक्शन 44AD एक्टिविटी में वो बिजनेस आते हैं जिन्हें स्पेसिफाइड बिजनेस के नाम से इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 44AD में, या जिन्हें मैं एलिजिबल बिजनेस भी बोल सकता हूं, के रूप में कवर किया गया है। तो यदि आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है या आपका एलिजिबल बिजनेस है जो 44AD की शर्तें पूरी करता है तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर पर ही टैक्स ऑडिट चाहिए। तो यहां पर आकर के सर जनता जनार्दन में अब कंफ्यूजन शुरू होता है जिसे मैं क्लियर करना चाहता हूं। मैंने ये बोला सर प्राइमा फेसाई 1 करोड़ प्लस पे टैक्स ऑडिट चाहिए। अब इसी बात को मॉडिफाई करके ये कहता हूं कि यदि आपका बिजनेस 44AD की कैटेगरी में आता है तो आपको 2 करोड़ रुपए तक के लेवल पर टैक्स ऑडिट नहीं चाहिए, 2 करोड़ से ऊपर जाने पर टैक्स ऑडिट चाहिए। अब एलिजिबल बिजनेस में कौन कौन नहीं है ये समझ लें। सब तरीके के बिजनेस एलिजिबल बिजनेस है एक्सेप्ट प्रोफेशनल्स, एक्सेप्ट गुड्स कैरिज से रिलेटेड बिजनेस, उसको भी आप छोड़ दीजिए। बाकी सारी एक्टिविटी प्राइमा फेसाई 44AD में आती है। और क्या नहीं आता सर उसमें? कमीशन नहीं आता।
और 44ED के कैटेगरी का बेनिफिट कौन ले सकता है सर? एक इंडिविजुअल ले सकता है, एक HUF ले सकता है और एक पार्टनरशिप फर्म ले सकती है, LLP भी नहीं ले सकती, कंपनी भी नहीं ले सकती। तो यदि आप एक एलिजिबल असेसी हैं और आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आपको टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD। सो वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन एलिजिबल बिजनेस फॉल्स इनटू सेक्शन 44AD4 एंड इज इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, देन टैक्स ऑडिट बी ए मस्ट। अब ये बात मैंने यहां पर क्या जोड़ी दोस्तों, उसको ध्यान से समझिए कि सेक्शन 44AD जिसकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं उसमें एक सबसेक्शन 4 है, वो ये कहता है कि आप एक एलिजिबल एसएससी हैं जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए से कम है लेकिन तब भी आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अब ये ऐसी कौन सी सर्कमस्टांस है जिसको आपको समझना जरूरी है, मैं अब आपको उस और भी लिए चलता हूं। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में जो मैंने 44AD सबसेक्शन 4 की चर्चा करी, क्योंकि 44AD वाले बिजनेस के संदर्भ में यह लिखा है कि जो 44AD 4 में आ जाते हैं उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी चाहे वो 44AD के नेचर का बिजनेस करते हो। 44AD सबसेक्शन 4 में दोस्तों क्या लिखा है समझिएगा, वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट्स फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड ही डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1 he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment year subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which such profit has not been declared with in accordance with provisions of subsection 1। iska matlab kya hai, vipray kya hai samjhata hu sir। maan lijiye assessment year 2020-21 mein ya assessment year 2021-22 mein आपने 80 लाख के टर्नओवर के ऊपर 80 लाख के टर्नओवर पर 10% के हिसाब से 8 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, 8 लाख रुपीज। अब बात करते हैं सर 22-23 असेसमेंट ईयर यानी वित्त वर्ष 21-22, इसमें आपका टर्नओवर है 1.5 करोड़ और आप कह रहे हैं कि अनूप जी मेरे को केवल 4% ही वास्तव में प्रॉफिट बचा है यानी 6 लाख। हो सकता है सर बिजनेस में कोरोना काल की वजह से या किसी और वजह से प्रेशर आए, वास्तविक प्रॉफिट कम हो। अब इससे पिछले साल में आप 44AD का बेनिफिट लेकर के खड़े हैं क्योंकि आपने एक 10% की एडहॉक रेट दे दी। इस साल आप कह रहे हैं नहीं नहीं सर मैंने 10% क्या, 8% क्या, 6% भी नहीं कमाया, मैंने तो मात्र 4% ही कमाया। यदि आप अपनी इस बात पर कायम रहना चाहते हैं तो आपको सर 44AA सेक्शन में किताबें बनानी पड़ेगी और 44AB में ऑडिट करानी पड़ेगी। और दोस्तों अब आपको ऑडिट करानी पड़ेगी 5 साल तक, यानी फिर अगले 5 साल ये नहीं देखा जाएगा कि आपका टर्नओवर क्या है। जिस साल आप स्किप करोगे, ठीक है, 44AD में आप एलिजिबल हैं क्योंकि देखिए टर्नओवर तो अभी 1.5 करोड़ है, 2 करोड़ तो हुआ ही नहीं, ठीक है, 2 करोड़ से प्लस होता तो टैक्स ऑडिट बाय डिफॉल्ट आ जाती। तो सर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ तक है, आप पिछले साल में 44AD ले चुके हैं और अब आप 44AD से बाहर जाना चाहते हैं तो अगले 5 साल तक आपको किताबें भी रखनी है, ऑडिट भी करानी है, ये मस्ट है। अब इस शर्त में कोई छूट नहीं है। तो ये ऐसी कैटेगरी आ गई दोस्तों जहां पर आप ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ से कम के टर्नओवर पर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों आपसे चर्चा करता हूं सेक्शन 44AD एंड टैक्स ऑडिट। व्हाट इज 44AD? 44AD कहता है कि यदि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, कौन कौन, जैसे मैंने पहले भी बोला चार्टर अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन, फिल्म एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कंपनी सेक्रेटरीज, तो इन सब के लिए एक सेक्शन 44AD का ऑप्शन लॉ में है जो ये कहता है कि आप अपनी ग्रॉस रिसीट का 50% प्रॉफिट फ्रॉम प्रोफेशन बता दीजिए। अब मान लीजिए वो सज्जन जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है वो अपनी इनकम 50% भी नहीं बताते क्योंकि वो कहते हैं मेरी वास्तविक इनकम कम है, तो सर उन्हें फिर किताबें बनानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स को कब टैक्स ऑडिट करानी है, तब या तो उनका 50 लाख से ऊपर का ग्रॉस रिसीट है या तब जब 50 लाख से कम का या 50 लाख तक का ग्रॉस रिसीट है और वो अपना प्रॉफिट या गेन 50% से भी कम बताते हैं। इफ अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 44AD ऑफर्स लोअर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम प्रोफेशन देन 50% एंड हिज और हर इनकम एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट व्हिच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स देन टैक्स ऑडिट शेल बी एप्लीकेबल। तो ऐसी परिस्थिति में सर उस स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को चाहे 50 लाख से कम की रिसीट्स हो, 10
टैक्स ऑडिट करानी होगी। दोस्तों अब चर्चा करता हूं सेक्शन 44 AE एंड टैक्स ऑडिट एप्लीकेबिलिटी। नाउ व्हाट इज सेक्शन 44 AE? 44 AE ये कहता है सर कि अगर आप प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरिजेस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है, हैवी गुड्स व्हीकल कौन सा है सर, जो 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी का है, तो उसमें पर टन कैपेसिटी पर 1000 रुपीज पर मंथ की इनकम आपको ऑफर करनी है, जितने महीने रिलेवेंट गाड़ी गुड्स कैरिज व्हीकल आपका ऑन था। और अगर आपकी 12 टन या उससे कम की गुड्स कैरिज व्हीकल है तो आपको 7500 रुपीज पर मंथ की इनकम ऑफर करनी। ये बाय डिफॉल्ट आप पर सेक्शन लागू है यदि आप गुड्स कैरिज एक्टिविटी में शामिल हैं तो, और आपके अंडर ऑनरशिप गाड़ियां हैं तो। अब आप 44 AE से कम इनकम ऑफर करना चाहते हैं, आप कहते हो जी 1000 रुपीज पर मंथ पर टन मुझे नहीं बचता, या 7500 रुपए मुझे पर मंथ इस गुड्स कैरिज लोडिंग टेम्पो पर नहीं बचता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है? इफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिजेस एंड ही ऑफर्स लोअर प्रॉफिट देन दोज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 44 AE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ही और शी इज सपोज्ड टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट ऑडिटेड। सो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। अब दोस्तों बात करते हैं F&O ट्रांजेक्शन पर, जो वन ऑफ द फेवरेट डिस्कशन ऑन टैक्स ऑडिट रहता है। इस पर मैंने कई अलग अलग वीडियोज भी बनाई है, और मैं टैक्स ऑडिट का जहां भी चर्चा आता है F&O पे चर्चा जरूर होती है सर। तो मैं आपको पहला पॉइंट ये कहूंगा कि F&O टर्नओवर कंप्यूटेशन एस्पेक्ट शुड बी कैप्ट इन माइंड, क्योंकि F&O के केस में सर जो टर्नओवर की गणना होती है वो एक स्पेसिफिक तरीके से की जाती है कि प्रॉफिट और लॉसेस को एब्सोल्यूट टर्म में जोड़ दीजिए, या प्रीमियम जो आपने खाया ऑप्शन में उसको भी आपके टर्नओवर में जोड़िए। अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट से 1 करोड़ प्लस या 10 करोड़ प्लस से ऊपर जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी है F&O ट्रांजेक्शन की, नहीं तो नहीं करानी। So once the turnover is determined, if the maximum 5% cash receipt or payment condition is met, जिसकी मैंने पहले आपसे चर्चा करी, then tax audit will be required with turnover beyond rupees 10 crore. Otherwise, tax audit should be preferred with turnover beyond 1 crore. और एक बात दोस्तों मैं अपनी वीडियोज में अक्सर कहता रहता हूं कि मेरी ओपिनियन में F&O transactions पर 44 AD का बेनिफिट नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि 44 AD के पॉइंट ऑफ व्यू में F&O एक्टिविटी को एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी में नहीं मानता। तो मेरा बड़ा सिंपल सबमिशन है, क्योंकि F&O ट्रांजेक्शन आज की डेट में ऑनलाइन ही किए जाते हैं, सब खाते में ही ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आप प्राइमा फेसाई मान के चलिए 10 करोड़ प्लस के टर्नओवर पर ऑडिट की जाएगी या ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी, जब तक कि आपने कैश की जो 5% की थ्रेशोल्ड है वो ब्रीच न कर दी। दोस्तों एक छोटा सा डिस्कशन आपके साथ ड्यू डेट पर भी कर लेता हूं कि वित्त वर्ष 2021-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन करने की ड्यू डेट होगी 30 सितंबर 2022, और एज्यूमिंग दैट कि आपने 30 सितंबर 2022 तक अपनी टैक्स ऑडिट चार्ट अकाउंटेंट से ऑब्टेन कर ली, तो आपको 31 अक्टूबर 2022 तक कॉन्सिक्वेंटली अपनी ITR भी भर देनी होगी। आई होप माई डियर फ्रेंड्स दिस वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल टू यू in understanding when tax audit is applicable, on whom tax audit is applicable and when tax audit is not applicable. तो सर tax audit के प्रति आप सतर्क रहिए, क्योंकि under section 271B of income tax act 1961 यदि आप पर tax audit applicable है और आपने tax audit नहीं कराई तो penalty का भी प्रावधान है. So this penalty also prompts an assessee to ensure compliance of the provisions of section 271. Be read with section 44 AB of income tax law. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपके समर्थन के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।